डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, आपका वॉल्यूम जो होगा खून का वो कम हो जाएगा, बच्चे की तरफ खून कम जाएगा जिससे कि बच्चे जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूं, ये मेरी टीम की रिक्वेस्ट के ऊपर है कि जी आप बताएं कि रमज़ान अगर किसी हामला खातून ने रोज़ा रख लिया है तो उसकी जो अफ्तारी के बाद है वो रूटीन क्या होने चाहिए। दैट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन उसमें यह है कि आप का डिपेंड करता है कि आपका ट्राइमेस्टर कौन सा है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आप अपनी डाइट के अंदर फॉलिक एसिड रिच फूड लेंगी, यानी सब्ज पत्तों वाली खुराक लेंगी, इसके अलावा आपने सप्लीमेंट्स लेंगी, और आपने कोशिश ये करना है कि ज़्यादा जूद हज़म चीज़ें लें जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें रोटी हो सकता है, चावल हो सकता है, खिचड़ी हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो आप सैलड्स यूज़ करें, आप फ्रूट्स यूज़ करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है तो मोस्टली देखा ये गया है कि फ्राइड आइटम्स ज़्यादा होते हैं। फ्राइड आइटम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी उल्टी मछली को बहुत वर्स कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो एक तो फ्राइड फैट होता है, दैट इज़ ट्रांस फैट, जिसको कि हमारे स्टमक के लिए डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है, और ऑनवर्ड्स जो है वो उसको वो स्टमक की एसिडिटी को भी बढ़ा देता है। तो आपने उससे तो दूर रहना है, सादा गज़ा इस्तेमाल करें, और कोशिश ये करनी है कि जो आप पानी लें वो फ्लेवर्ड वाटर लें। फ्लेवर्ड वाटर का मतलब ये है, ये नहीं है कि आप उसमें चीनी डाल के और रूह अफ़ज़ा डाल के पीते जाएं, नहीं। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर हल्का सा लीमू पानी ले लें, हल्का सा नमक डाल के उसको फ्लेवर कर लें, ताकि आपको क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए 12 से 14 ग्लास इस इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में, वो 12 से 14 ग्लास है। तो आपने अपनी इफ्तारी से लेके नेक्स्ट सहरी तक के टाइम तक के लिए अपने 12 से 14 ग्लास पूरे करने हैं। लस्सी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जो बटर मिल्क होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसको जब आप डायल्यूट कर लेते हैं तो वो आपको कैल्शियम भी दे रही है, मिनरल्स भी दे रही है, और साथ में आपकी फ्लूइड कंटेंट्स को भी पूरा कर रही है। उसमें ये है कि आप बहुत ज़्यादा थिक उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब वो आप ले लेते हैं तो फिर आप ऑनवर्ड उसको मैदे से खाली होने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से आपकी डाइट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। अगर ये आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आयरन रिच फूड लें। अब फॉलिक एसिड नहीं आपको चाहिए, अब आपको आयरन चाहिए है। आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, आप अपनी ड्रेसिंग्स के अंदर, अपनी सैलड्स के अंदर जो है वो सुरख लोबिया का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेब बहुत ज़्यादा लें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में आयरन बहुत ज़्यादा होता है वो लें, अपने आयरन के टॉनिक्स लें, और लीमू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो आपकी फूड में मौजूद जो आयरन होता है उसको अब्सॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अब भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पानी की, वो 12 से 14 ग्लास है। अगर आप कम पानी पिएंगी तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, आपका वॉल्यूम जो होगा खून का वो कम हो जाएगा, बच्चे की तरफ खून कम जाएगा जिससे कि बच्चे का पानी कम हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन आपके लिए भी नुकसानदेह है और अपने बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। आप टारगेट करें कि आप 12 से 14 ग्लास पानी पिएं, लेकिन आपने अगर मटन खा सकती हैं, कलेजी खा सकती हैं, तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करें। मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है, आप उसके शामी बना सकती हैं मटन के, उसके अलावा आप उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉयल करके गला के उनको थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर करके आप यूज़ कर सकती हैं, सालन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओवरऑल आपने जो है वो इसके अंदर रोटी चावल का इस्तेमाल भी करेंगी, क्योंकि इसमें आपका बच्चे की ग्रोथ हो रही है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे हम कहते हैं कि ज़रा चावल और मीठे के ऊपर हाथ कम रखना है आपने, क्योंकि आपकी शुगर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है और आप रोज़े में हैं तो आप अफ्तारी के टाइम में सबसे ज़्यादा लिक्विड्स लेंगी, आपने लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं। उसकी वजह, और लिक्विड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने दूध के या किसी भी चीज़ के दो ग्लास इकट्ठे अगर आप लेंगी तो आपका स्टमक ओवर एक्सपेंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो स्टमक है
वो काफ़ी देर तक आपके ब्रेन को ये सिग्नल देता रहेगा कि आई एम, बेशक उसमें से उसमें गया सिर्फ लिक्विड ही है, लेकिन चूंकि वो एक्सटेंड तो हो गया ना, तो वो आपको ब्रेन को फर्दर जो सेंटर है भूख का सेंटर या प्यास का सेंटर वो स्प्रेस कर देता है काफ़ी देर के लिए। तो आपने सिप सिप वाटर लेना है, यानी एक ग्लास अगर आपने लिया है तो उसको सिप सिप करके पिए, और थोड़ा हाफ पिए, हाफ थोड़ी देर के बाद पिए। इस तरह करके आप अगर चार ग्लास पानी भी पी लेंगे घंटे के अंदर तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इकट्ठा सुकड़े हुए स्टमक के ऊपर दो ग्लास पानी पियेंगे तो इट विल बी एक्सपेंडेड, और ऑनवर्ड जितना भी आपके जो एंजाइम्स हैं अंदर वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो फ्लश हो जाएंगे, और आप जब नेक्स्ट फूड लेंगे तो आपके लिए डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड ट्रेमेस्टर के अंदर डाइट को लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका पेट में आधा हिस्सा तो आपके बच्चे ने कवर किया होता है, तो अब आप अगर फौरन से कुछ ले लेंगे तो छोटे मील्स रखें और क्वांटिफाई करें कि इसमें मेरा, ये मेरा आयरन का पोर्शन है, ये मैं मटन ले रही हूँ, ये मैं फ्रूट्स का पोर्शन ले रही हूँ, ये मेरा दूध का पोर्शन है, और साथ में पानी की बॉटल तो आपके हाथ में होनी चाहिए, और अगेन फ्लेवर्ड वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा नमक, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता तो लींबू निचोड़ लें उसके अंदर, हल्का सा इमली का पानी बना लें, जो आलू बुखारे का पानी है वो बना लें, लस्सी ले सकते हैं आप, फ्लेवर्ड की फॉर्म में आप लिक्विड लें, एक तो वो पीने में भी बुरा नहीं लगता है और दूसरा उसको आप ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और रोज़े के बाद जो है वो फौरन से आपने नहीं वो लेना, थोड़ा थोड़ा करके अपना खाने का प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, और बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखें। अगर आपके बच्चे को मूवमेंट ऊपर नीचे होती है, या अगर आप GDM के पेशेंट हैं, यानी आपको शुगर होती है प्रेगनेंसी के लास्ट में और आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, तो फिर आप रोज़े से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से या शुगर हाई लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप इंसुलिन लगा रहे हैं और वो चीज़ें हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें आपने रोज़े से इज्तनाब करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।